नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज ये वीडियो कुछ खास है सभी लोगों के लिए। अगर आपकी परीक्षा कल है तो भी आप लोगों को देखना चाहिए, अगर आपकी बाद में है तो भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दें, अगर आपकी कल परीक्षा है तो स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा। examcrack.org पे जाके सारे क्वेश्चनों का एक बार रीड कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आपकी स्क्रीन पे एक साइट दिख रही होगी, गूगल पे जाके इसको सर्च करके आप लोग क्या करिएगा, एक बार सारे क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको लेकर समस्या ना हो। तो ये आप बाद में करिएगा जब ये वीडियो समाप्त हो जाए, तो एग्जाम क्रैक आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले आपको बता दें, फॉर्म डिक्लेरेशन लेकर जाना अनिवार्य है, आपके एडमिट कार्ड के साथ ही मिल जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाएंगे, साथ में डाउनलोड हो रहा है, इसको लेकर जाके आप सेंटर में भर सकते हैं, वहां पर भरकर जमा करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। घर से भर के जाएं या ना जाएं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सैनिटाइजर की बोतल लेकर जाना अनिवार्य है, जो कि आप लोग लेकर ही जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाना है जरूरी, कुछ सेंटर में नहीं भी मांगा गया, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा, 50 ml के सैनिटाइजर की बोतल लेके जाइएगा। इसके अलावा काला या नीला पेन आप जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि सेंटर में पेन नहीं दिए जा रहे। 28 और 29 के जो बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने साफ बताया है पेन वहां नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा मास्क लगा के जाना ना भूलिएगा, मास्क काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मास्क लगाकर सभी साथ ही जाएं, क्योंकि मास्क अगर लगा के नहीं जाते तो फिर वहां पर आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो चीज को लेकर भी आप परेशान होंगे, तो उसको पहले से कर लें। ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है इसको लेकर काफी दिक्कत है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ओरिजिनल फोटो कॉपी है, तो आप एक प्रिंट करवा लीजिए, कलर में आधार कार्ड का कलर प्रिंट करवा के उसको लेमिनेशन करवा के आप लेकर चले जाइएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। एडमिट कार्ड आप लेकर जाएंगे ही, जो कि आपके लिए है, जो कि आप जानते हैं। उसके अलावा अब इंपॉर्टेंट बातें जो है यहां से शुरू होती हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा सवाल है आपके पिन को लेकर, और रोल नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। जो पिन है, लोग कह रहे हैं कि पिन कहां से मिलेगा, तो आपके सेंटर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो वहां पे जो सेंटर में आपके कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो आपको सारी चीजें लॉगिन करके दे देंगे, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, वो आपका काम नहीं है, वो करके दे देंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपकी परीक्षा कल है या फिर आगे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले अपने पेपर को एक बार एनालिसिस करना है, और उनमें जो क्रम बदला हुआ है, इस बार के पेपर में क्रम बदला हुआ है, कम से कम 100 से 200 बच्चों से बात करने के बाद हम इस चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं, हम कह सकते हैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी से कि क्रम बदला हुआ था और क्रम बदले गए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को इस बात को ध्यान में रख कर करिएगा कि सबसे पहले आप अपने पेपर को देखिए एक बार एक नजर में और उसको पढ़िए, उसके बाद जो क्रम बदला हुआ है, क्वेश्चनों का क्रम का मतलब यह है कि जो आंसर है उनके क्रम आपको नीचे दिखेंगे, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का पहला, वो कुछ क्रम बदला हुआ होगा, उसका वीडियो हम कमेंट में डाल देंगे, कैसा बदला हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। तो वो चीजें आप ध्यान लगा लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा, ये चीजें आपको नहीं गलतियां करनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को अपने सेंटर में 90 मिनट पहले पहुंच जाना है, जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य है, नहीं तो आप ही परीक्षा से वंचित होंगे, तो ये स्वयं की गलती होगी, क्योंकि आपने लंबा पैसा, लंबा समय और लंबी दूरी तय करके वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि सेंटर काफी दूर है। तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां आप किसी भी हालत में ना करें। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि आप ये सारी चीजें लेकर जाएंगे ही, अब आपको करना क्या है, अंतिम समय में आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, ये नहीं करना है। अब आपकी स्क्रीन पे एक साइट दिख रही होगी examcrack.org, यहाँ पे वो क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो कि आपके 28 तारीख को और 29 तारीख को आए थे, इन क्वेश्चनों को जाकर एक बार पढ़िए, जिसकी परीक्षा कल है। इसके अलावा आपको बता दें सभी लोगों के कल, परसों और नरसों, हम कह सकते हैं 9, 10 और 11 के जिसकी भी परीक्षा है उनके सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 9, 10 के एडमिट कार्ड दिखना भी शुरू है, सभी के दिख रहे हैं, 11 वालों के किसी का दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा, तो आप लोग शाम तक वेट करिए, सारे एडमिट कार्ड आप लोगों के 11 तक के जो भी एडमिट कार्ड हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको डाउनलोड करके सारी चीजें पहले से कैरी करके रख लीजिएगा। कोई समस्या फिर भी आपको होती है परीक्षा को लेकर तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम पूरी मदद करेंगे आपकी इसको लेकर। परीक्षा को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बार कुछ नया इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं, आप लोग कुछ ऐसी चीजों को पढ़ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखकर ही जाना है। और आप सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं पर भी पढ़िए, किसी भी चैनल पे पढ़िए, आप टैग वर्ड एक बार जरूर कॉपी पे नोट कर लीजिए, उनको 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में मदद हो पाए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।